नमस्कार, स्वागत है आपका। पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान ने दो मामलों का खुलासा किया। दोनों ही मामले कुछ ही दिन पूर्व घटे थे, एक लूट का और एक हत्या का। पुलिस कंट्रोल रूम में खुलासा करते हुए क्या कहा पुलिस अधीक्षक ने, आइए हम आपको सुनवाते हैं और क्या है पूरा मामला देखते हैं LNB टीवी के माध्यम से। जी, ये दूसरा मामला थाना हिंडोरिया क्षेत्र अंतर्गत है। इसमें एक हत्या की घटना हुई थी दिनांक 26/2/2020 को। ये तरवर पटेल हैं, ग्राम करैया के निवासी हैं। इनकी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से इनको गले में चोट पहुंचाकर इनकी हत्या कर दी गई थी। और इसका भी खुलासा हिंडोरिया पुलिस और उनकी टीम और एडिशनल SP के द्वारा एक टीम गठित की गई थी। उसमें लगातार हर पहलू पर प्रकरण की विवेचना करी गई, टेक्निकल पक्ष को भी बहुत तरीके से उसमें देखा गया और उसका खुलासा 5 दिवस के भीतर कर दिया गया, जिसमें 2 आरोपी, जिसमें एक मृतक की भाभी है सहोद्रा बाई और दूसरा उसका मित्र है जिससे उसके संबंध थे नीलू उर्फ योगेंद्र, इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें घटनाक्रम कुछ इस प्रकार का है कि मृतक सहोद्रा बाई के जो संबंध थे नीलू से, इसकी जानकारी मृतक को थी और उसने अपने भाई को इसकी जानकारी को बताया था, जिस कारण उसकी मारपीट होती थी, पति मारपीट करता था, उससे वो काफ़ी परेशान थी। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दोनों ने आपराधिक षड्यंत्र किया योजनाबद्ध तरीके से। इसने सहोद्रा बाई ने नीलू को उसको मारने के लिए प्रेरित किया और घटना दिनांक को ये घटना उससे कारित करवाई। घटना दिनांक को ये जो आरोपी है नीलू उर्फ योगेंद्र, इसने शराब पी वहीं करैया में और शराब की बोतल को तोड़कर मृतक के गले में मारा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। दोनों से पूछताछ में अपने अपने जो भी उनके ऊपर ये बेसिक आरोप है उनकी उन्होंने पुष्टि भी करी है, दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। और बहुत अच्छा कार्य इसमें जो टीम के द्वारा किया गया है, उसमें सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, जिन्होंने इतनी मेहनत से, तत्परता से, एक बहुत ऐसी इन्वेस्टिगेशन थी जिसमें बहुत सारे पहलू होते हैं उसके, उसको त्वरित गति से संपादित करके घटना को ट्रेस किया गया है और उनको उचित रूप से उसके लिए पुरस्कृत किया जाएगा। उसमें एडिशनल SP साहब का भी बहुत सराहनीय योगदान है और हम सभी को उचित तौर पर जो भी है पुरस्कृत इसमें कर रहे हैं। समाचारों के लिए देखते रहिए LNB TV, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज़। नमस्कार।